अब जरा बात करते हैं उस राज्य की जहां आज प्रधानमंत्री के दबादब दौरे लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री चलचलाती धूप में गर्मी में रैली कर रहे हैं बिहार के अंदर, और बिहार में उनका उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बंगाल होगा, मतलब हमारा जो स्ट्राइक रेट आप किसी भी राज्य में देखेंगे सबसे ज़्यादा तो वो बंगाल में होगा। अब मैं सोच में पड़ गया, गुजरात 100% स्ट्राइक रेट है, वो राजस्थान में 100% स्ट्राइक रेट क्लेम करते हैं, 95% स्ट्राइक रेट यूपी में क्लेम कर रहे हैं, और वो फिर ये कह रहे हैं कि बेस्ट स्टेट हमारा बंगाल होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, ममता अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं बंगाल के अंदर। तो ये तो सही है कि नहीं, बट ये आपको ओवर द कुछ ओवर द टॉप नहीं लगा है? मुझे ओवर द टॉप नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं, कम से कम 28 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत सकती है। 42 में से 32 28 से 32 फिर मैं कह रहा हूँ, मिनिमम 28 मैक्सिमम 32 ये भारतीय जनता पार्टी कहीं इस रेंज। प्रधानमंत्री का बयान अगर है सुनवाई, जरा सीटें इधर उधर हो सकती हैं, बट ये लगभग बंगाल पर जो बोला सुनवाई। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है, और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है, और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं, लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जो बोला बंगाल को लेकर के, अब कुछ लोग कहेंगे साहब असेंबली इलेक्शन के अंदर भी ऐसी बातें करते थे सब लोग, बीजेपी के लोग, बंगाल में हम जीतेंगे, हमारी 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। 80 सीट आई ना, 77 सीट आई। अब मोदी जी कह रहे हैं लेकिन कि हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बंगाल होगी। बेस्ट परफॉर्मेंस को कई सारे पैमानों पर देखना चाहिए कि आप पहले कहाँ खड़े थे और उससे आप कहाँ जा रहे हैं। तो और ममता बनर्जी जैसी अगर आपके सामने एडवर्सरी है उसको पटकना, पीछे पछाड़ना, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। देखिए इस बार बड़ा भरोसा है, लेकिन इस बार देखिए एक चीज जानिए कि पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ममता बनर्जी नैरेटिव लूज कर रही हैं। वो संदेश खाली के बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने गेरअप किया है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको संदेश खाली का तो पूरा संदेश खाली का मुद्दा मुझे नहीं लग रहा कि पूरे बंगाल का मुद्दा ही खराब हो गया ना, पूरा ही बना नहीं। बीजेपी की अपनी जो नेता है वो छोड़ के चली गई। सुन लीजिए, संदेश खाली के बाद जो एक परसेप्शन बना बंगाल के अंदर और जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव खड़ा किया, वो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव आज काम कर रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा भी नहीं, में चढ़ गया। उसको भी मैं जोड़ रहा हूँ, मुस्लिम हाईकोर्ट ने रोक लगाई ना, मुस्लिम आरक्षण, ये सारी चीजें एकोमोडेटिव। मैं बार बार कहता हूँ, एक कोई प्रोग्राम, एक कोई विशेष मुद्दा जो होता है आपको चुनाव में एंकर करता है और बाकी मुद्दे साथ साथ उसके एंकरिंग मुद्दा कौन सा है? मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में संदेश खाली था, बाद में मुस्लिम रिजर्वेशन आ गया, रिजर्वेशन, और बाद में जो प्रधानमंत्री ने बार बार कहना शुरू कर दिया, ये जो मुस्लिम फैक्टर, उन्होंने हिंदू सेकेंड ग्रेड सिटीजन तक की बात कर दी, ये फैक्टर जो है कहीं ना कहीं बंगाल भद्र लोग को भी हिट। संदेश खाली का मुद्दा होता तो रेखा पात्रा जिसको टिकट दिया गया है संदेश खाली पीड़ित को, वो चुनाव जीत जाती, वो चुनाव हार रही है रेखा पात्रा। संदेश खाली का मुद्दा जिस सीट पर हुआ है उस सीट पर भी वो असर नहीं कर रहा है, मुद्दे दूसरे असर हो रहे हैं। 5 साल में ममता बनर्जी के इसमें जो करप्शन रहा है, जो मंत्री जेल में गए, जो टीएमसी के गुंडों ने टोल टैक्स वसूल करा है, जो पैसा वसूल करा है, जमीनों पे कब्जा करा है, जो राज्य सरकार की सजा लोग नेशनल इलेक्शन में देंगे, इसलिए दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि बताएंगे कि ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा था वो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कर रहा है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है बंगाल, 2 दिन के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कलकत्ता में तो रोड शो करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, आज कल कलकत्ता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। यह इसलिए सब लाइन अप हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि जमीन पर ममता के गुंडागर्दी के खिलाफ इतनी नाराजगी है, वो सारा वोट बैंक में
ये नेशनल इलेक्शन में ममता बनर्जी को सजा जनता इलेक्शन कहाँ करेगी? जनता कहेगी अगर मैं आपसे नाराज हूँ तो मैं आपको वोट नहीं दूंगा, तो ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी चाहती है और ममता को बताएगी कि लोकसभा में हम मोदी को दे रहे हैं और उसके बाद मुस्लिम वोट कितना परसेंट है बंगाल में? 38% के करीब है। ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए, आपने मोदी जी को सुना बंगाल पर, एक तरफा चुनाव है, सुनिए ममता बनर्जी को। हम हिम्मत का साथ काम करते हैं, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी मेरे को लिए जो भी आपको जो भावना है ये आपका भावना है, लेकिन मेरे को भावना है मुद्दा बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खोला होता है। आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है, इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रोशनी चाक से होना है, शिकारों से नहीं, मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, जोरापुर से होता है और किसी से नहीं। बिल्कुल शायराना अंदाज ममता बनर्जी का, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको राहुल जी, मैंने ममता बनर्जी को बहुत सुना है, मुझे इस तेवर नहीं था, इसमें तेवर तो नहीं था। वो जो ममता बनर्जी जब अपने रॉ में आकर के बोलती है ना, जिस अंदाज में, वो रॉ नहीं था। और मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होगा जो मंजूर है खुदा होता है, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, खुदा को फिर उन्होंने याद किया है। लेकिन एक बार राहुल जी, आई बिलीव कि ममता बनर्जी मुझे थोड़ी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। पहली बात ये कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छा चुनाव होगा, लगभग 20 से 22 सीटें मैं मानता हूं कि जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल में निकाल के लेके जाएगी। संदेश खाली वहां बिल्कुल मुद्दा नहीं है, उल्टा हो गया। संदेश खाली को लेकर वहां पे बीजेपी की एक नेता जो है वो ये कहते हुए छोड़ गई बीजेपी कि इन्होंने जानबूझ के मुद्दा बनाया। दूसरी ओर वो महिलाएं, उन्होंने ये बयान दे दिए कि इन्होंने जानबूझ के साइन करवाए, तो वो मुद्दा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया वहां पर। और ये भी मैं बता दूं, बशीरहाट की जो सीट है वो जो है टीएमसी जीतने जा रही है, जहां संदेश खाली है। बिल्कुल, अब ये बात करने के बाद मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए, बीजेपी ने जितना वोट लिया था पिछली बार, उसमें से कोई भी मैं नहीं मानता कि वो टीएमसी का वोट था। बिल्कुल आप एनालाइज करके देख लीजिएगा, वो सारा वोट जो था, जो उनका बढ़ा था वोट, वो सारा का सारा लेफ्ट का वोट था। 19 की बात कर रहे हैं, 19 की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट का वोट था। इस बार ये जरूर है कि जिस तरह का चुनाव वहाँ पे हो रहा है, पोलराइज चुनाव है। ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही है, वो मुस्लिम तुष्टिकरण की बातें कर रही है, बीजेपी उसी को हिंदू कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रही है। और ये चुनाव जो है ये डिसाइड करेगा कि बीजेपी आगे जाके भी क्या इस धारा पर आगे बढ़ सकती है जब विधानसभा के चुनाव होंगे। मुझे लगता है बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है वहां पर ध्रुवीकरण के अलावा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये भी आप सही नहीं है। जब 30% मुस्लिम वोट है तो आप क्या करिएगा? ज्यादा ऑप्शन भी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल बताइए। और ऐसे में मैं मानता हूं कि वहां पे ध्रुवीकरण होगा और उसका बीजेपी को फायदा भी। बांग्लादेश से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है सर वहां पर, और ये बड़ा सेंटिमेंट बन रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से जो सारे मुसलमान और दूसरी कम्युनिटी घुस रही है वहां पर, जिनका राशन कार्ड बढ़ रहा है, उनके पासपोर्ट बन रहे, उनके आज की बात हो रही है सर, लेकिन ये कोई आज की बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से बड़ा आज ये जमीन पे जनता को बताने वाला कौन था? बीजेपी ने घर घर जाकर बताया है, आरएसएस के कैडर ने घर घर जाकर बताया है कि अगर आप नहीं चेतोगे तो ये संदेश खाली में जो हुआ है शाहरुख खान का, ये हर जिले में शाहजहां शेख का जो मामला है वो हर जगह होने वाला है। मुझे लग रहा है कि जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा जा रही है। चलिए अब मुझे जरा आप टीएमसी के अपना असेसमेंट टीएमसी का मुझे बता दीजिए। टीएमसी कितनी सीटें? तो बीजेपी को जब मैंने 20 और 22 दी हैं, तो खुद 42 सीटें हैं वहां पर। कांग्रेस को आपने एक भी नहीं दी? एक कांग्रेस की सीट है, बिल्कुल देखिए, मालदा दक्षिण और बहरामपुर की सीट है, मैं मानता हूं बहरामपुर सीट फिर निकल सकती है। नहीं तो फिर 16 सीट मानूं मैं टीएमसी? हां बिल्कुल 16 सीट। ओके सर, मेरे समझ से 10 सीट से ज्यादा नहीं है। 10 से ज्यादा नहीं 16-10 टीएमसी। आप सर, बीजेपी 25 सीटें जीतेगी सर, और बाकी टीएमसी जीतेगी। 25 के बाद कितनी बची सर? 12 सीटें। आप 12 कह रहे हैं, कांग्रेस को 17 सीटें कांग्रेस को नहीं दे रहे? नहीं, 17 बोल रहे हैं ये, आप बोल रहे हैं 16। आप बोल रहे हैं सर 12 सीट। चलिए 15 टीएमसी 15 लिख देते हैं एवरेज। ऑलराइट, लेफ्ट को आप तीनों कोई सीट नहीं दे रहे? नहीं, बंगाल के अंदर लेफ्ट इज जीरो।